सो हाय व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट के बारे। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डाउनलोड फाइल रिट्राइव वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अपडेट के बाद काफी सारे बंदे के में प्रॉब्लम फेयर करना पड़ रहा है। हर बंदे को लगभग ये प्रॉब्लम आ ही रहा है। कई बंदे को गेम के अंदर आता है, कई लोग को लॉग इन करने के टाइम आता है, कई लोग तो फ्री फायर के ओपन मतलब ओपन करने से पहले ही आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है पूरा इसका चक्कर है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसका मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। और इसको यूज करने के बाद गाइस आपका चाहे कुछ भी नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड कुछ भी चाहे प्रॉब्लम हो, नेटवर्क कनेक्शन रिट्राई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो गाइस इस ट्रिक को यूज करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम रहेगा सब सॉल्व हो जाएगा। तो बस गाइस वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर ये ट्रिक है ना बहुत ही इजी ट्रिक है, और यहाँ पर मैं एक नहीं बल्कि दो ट्रिक बताऊंगा। अगर पहले को यूज करोगे तब तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा गारंटी दे रहा हूँ पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो अगर आपसे पहले ट्रिक में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दूसरा ट्रिक को यूज करना, दूसरा ट्रिक में गाइस 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। सो लेट्स सी गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है और ये किन किन बंदे को हो रहा है, सबको हो रहा है या सिर्फ आपको बस हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है गाइस अभी अभी आ रहा है, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत कहीं कम बंदे को ये प्रॉब्लम फेयर करना पड़ता था, लेकिन अभी कम से कम 99% हर बंदों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है वो अपडेट के बाद आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छे से जानोगे नहीं तब तक आप उसको सॉल्व करोगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। तो आप कभी भी ये वाला प्रॉब्लम अगर फेयर करना पड़े तो आप जो है समझो इस चीज़ को और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा फंडा है कि प्लेयर की जो संख्या है ना, मतलब फ्री फायर खेलने वाले ज़्यादा बंदे हो चुके हैं, इसीलिए सर्वर मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उसको, ज़्यादा बंदे को अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं सभी लोग। तो इसीलिए पिंग वगैरह सब सेट का हाई हो रहा है और नेटवर्क इसी की वजह से कई लोगों का गेम के अंदर ही नेटवर्क कनेक्शन इरोर या फिर कई लोग का लॉगिन करने का टाइम आता है या फिर कई लोग का शुरू में ही आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा बंदे को देखने को मिल रहा है और सभी बंदे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। मैं भी खेल रहा था एक दिन गेम के अंदर, अच्छा खासा बुइया होने वाला था और उसी टाइम आ गया नेटवर्क कनेक्शन इरर। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है ना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा ना ट्रिक, इसको यूज़ करने के बाद चाहे कितना बड़ा भी प्रॉब्लम क्यों न रहे, फ्री फायर का नेटवर्क कनेक्शन रिलेटेड चाहे कितना बड़ा भी प्रॉब्लम क्यों न रहे, बस जो ये ट्रिक बताऊंगा ना उसको कभी भी जब भी ये प्रॉब्लम आए तब इसको यूज़ कर लेना। बहुत ही जल्दी मतलब ट्रिक जो है ना सिर्फ 2 ही मिनट में वर्क करेगा और आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर गाइस आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको अपना पहले नंबर का ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ्री फायर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आपके सामने मतलब शुरू में ही ये मतलब ये वाला प्रॉब्लम अगर आए, डाउनलोड फाइल रिट्राई, अगर आपका ये वाला देख रहा हो ये वाला पेज लॉगिन वाला पेज, यहाँ तक आपका फ्री फायर अगर ओपन हो रहा है तो पहला ट्रिक को आप यूज़ करना, अगर यहाँ तक ओपन नहीं हो रहा है तो दूसरा ट्रिक को यूज़ करना। तो यहाँ तक अगर आपका फ्री फायर ओपन हो रहा है, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अगर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है या गेम के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद इसे आपका इस सबको फिर से लॉगिन करना है। अब ये क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि फ्री फायर वाले कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो आईडी है वो आपका है या नहीं, तो आप फेसबुक जीमेल मतलब मेल कहीं से भी अपना गेमिंग अकाउंट बनाए रहो तो वहाँ से वो लोग कन्फर्म करना चाहते हैं। तो इसी लोग को लॉग इन लॉग आउट ये सब में प्रॉब्लम कभी कभी बीच में आ जाता है, तो इसी लोग फिर से लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है। तो आप इसको लॉग आउट कर लो, फिर से अपना आईडी पासवर्ड डालो, लॉग इन कर लो, फिर आपका प्रॉब्लम मतलब कि फ्री फायर ओपन करोगे ना तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इससे कहीं आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अब कई बंदे जो गेम के अगर इससे भी मतलब उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और कई लोग का यहाँ तक भी ओपन नहीं हो रहा है, तो दूसरा ट्रिक को यूज़ करो, बहुत ही इजी ट्रिक है। और इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री फायर के ऐसे ही बेस्ट कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, कर दो भाई, क्या जाता है यार, पैसा थोड़ी निकट रहे हैं भाई, कर दो। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई पहले सब्सक्राइब तो करो यार, देखो कितने कम सब्सक्राइबर है। सो अभी हमारा दूसरा नंबर का ट्रिक है कि इस कुछ अलग ट्रिक है, इसमें कि इस आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा भी क्यों ना रहे आपको खुद लगेगा हाँ यार इस ट्रिक में मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहे सॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको फ्री फायर के मतलब यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो एप इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके में नहीं आता तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना, वहाँ पर सी आर एप्स होगा या फिर ऐप मैनेजमेंट होगा, ये सब का होगा, मतलब आपको फ्री फायर का जो स्टोरेज वाला ऑप्शन होता है ना वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज वाला ऑप्शन मेरे में दिखा दिया, 4 स्टॉप का ऑप्शन आएगा, क्लियर डाटा का आएगा, क्लियर कैचेस का आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपको 4 स्टॉप कर देना है और क्लियर डाटा कर देना है। इससे होगा क्या कि जितने भी कैचेस जमा रहते हैं, अब जब भी फ्री फायर खेलते हो तो वहाँ पर नेटवर्क की वजह से कैचेस जमा हो जाते हैं और इससे ज़्यादा तो मतलब नेटवर्क का दिक्कत तो होता ही है, साथ ही साथ लैग होने लगता है और कभी कभी पिन इश्यू भी होने लगता है। तो इसको आपको क्लियर डाटा करने है, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा करने से पहले 2 काम कर लेना है। तो पहला तो गाइस आपका अपना जो कस्टम एचयूडी होता है उसको आप अपने आईडी पर अपलोड कर लो, आईडी में अपलोड
अपलोड करने के लिए सिंपल से आप अपने फ्री फायर को ओपन करना, वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन रहता है, अपलोड कर लेना। क्योंकि क्लियर डाटा को करने से आपका जो कस्टमर आईडी है वो गायब हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कट जाएगा, इसीलिए एक काम कर लेना। और दूसरा काम यह है कि एक्सपेंशन पैक वगैरह कॉपी करके रखना या फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। वैसे ये सब करना ही पड़ता है यार, आप फ्री फायर खेल रहे हो तो क्लियर डाटा नहीं करोगे तब तक आपका जो कैचेस वगैरह है वो जमा ही रहेगा और इससे और भी ज़्यादा लैग होता है। तो ये सब करो, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सिंपल से क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करने के बाद गाइस आपका जो कैचेस वगैरह रहेगा जिसके वजह से पिन प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ना गाइस थोड़ा सा थोड़ा अलग है, अगर पहले से वर्क नहीं करेगा तो दूसरा को यूज़ करना, लेकिन दोनों ही ट्रिक मैं देखा हूँ 100% वर्क करता ही है। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखा हो तो थैंक यू सो मच यार, आप ही लोग जो भाई सपोर्ट करते हो। और इससे पहले गाइस आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्री फायर के ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक कर दो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।